बटरफ्लाइज वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू फैनफिक्शन कूल प्रोफेसर पनिश हिज लिटिल हस्बैंड बिकॉज ऑफ इनसिक्योरिटी। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जॉन कुक अब त्यांग के ऊपर गुस्सा करके चीट करने ही वाले थे। जैसे ही उन्होंने उसके हाथ में चीट देने वाले थे, जॉन कुक उस चीट को फाड़ कर डस्टबिन में फेंक देते हैं और कहते हैं, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ। यूनो कहते हैं, अगर तुझे नहीं करना था तो तूने उसको फाड़ा क्यों? मुझे तो उसको कॉपी करना था ना। जॉन कुक कहते हैं, नहीं मैं नहीं करूँगा और ना ही तुम्हें करने दूँगा। यूनो, हमें एग्ज़ाम अपनी मेहनत से देना चाहिए ना कि कॉपी करके। यूनो, तुमने पढ़ाई किया ना, तुम्हें जितना भी याद है उतना ही लिखो वरना तुम एग्ज़ाम हॉल से बाहर निकल जाओ। यूनो कहते हैं जॉन कुक, तुम मुझसे इस तरह से बात कर रहे हो? जॉन कुक कहते हैं, हाँ क्योंकि मुझे अब समझ में आया कि चीट करना कितनी बुरी बात है। और अगर मैं खुद बुरा काम नहीं करना चाहता हूँ तो मैं तुम्हें कैसे करने दे सकता हूँ? तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड हो ना। यूनो कहते हैं, तुमने सही कहा जॉन कुक, लेकिन इससे पहले भी तो हमने ऐसा किया था ना, तब तो तुमने कुछ नहीं कहा। जॉन कुक कहते हैं, तब की बात कुछ अलग थे, तब मुझे समझाने के लिए कोई नहीं था लेकिन अब मैं समझ चुका हूँ। यूनो कहते हैं, तुम्हें किसने समझाया? कहीं प्रोफेसर ने तुम्हें कुछ कहा तो नहीं? और तुम प्रोफेसर के साथ कब बात किया? जॉन कुक कहते हैं, वो मैं इससे पहले कि जॉन कुक कुछ बोल पाते हैं, त्यांग क्लासरूम में आ जाते हैं बच्चों को चेक करने के लिए कि सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हैं या नहीं और कोई चीट तो नहीं कर रहे हैं ना। त्यांग देखता है कि डस्टबिन में एक पेपर पड़ा हुआ है फाटा सा, वो जॉन कुक ने फेंका है। त्यांग दरवाजे के सामने से सब कुछ सुन लेते हैं और देख भी लिया था, इसलिए वो ठीक टाइम पर पहुंच जाते हैं ताकि जॉन कुक को यूनो को कुछ बताने की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि त्यांग और जॉन कुक ने डिसाइड किया है कि वो किसी को ये नहीं कहेगा कि ये दोनों हस्बैंड हैं। जॉन कुक त्यांग की तरफ देखते हैं बहुत ही गुस्से से। त्यांग समझ आते हैं त्यांग के लिटिल हस्बैंड त्यांग पर बहुत ही गुस्सा है। त्यांग जॉन कुक को बोलते हैं, क्या तुम अच्छे से एग्जाम दे रहे हो? यूनो जॉन कुक की तरफ ही देखे जा रहे थे। आखिर इतने सारे स्टूडेंट में त्यांग सिर्फ जॉन कुक को ही क्यों पूछ रहे हैं? जॉन कुक त्यांग को इग्नोर करते हैं। तो फिर त्यांग जॉन कुक को बिना कुछ बोले सारे बच्चों के पास जाते हैं और एग्ज़ाम के बारे में पूछने लगते हैं, क्या तुम लोग अच्छे से एग्ज़ाम दे रहे हो और क्वेश्चन कैसे हुए, क्या तुम लोग को सारे आंसर आते हैं? सब लोग कहते हैं, प्रोफेसर आपने बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन किया है, बहुत ईजी है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर, आपने इतना अच्छा क्वेश्चन पेपर किया है। त्यांग कहते हैं, हाँ ठीक है अच्छे से एग्ज़ाम दो सब लोग, मैं अभी चलता हूँ और तुम लोगों को एग्ज़ाम पर गार्ड देने के लिए कोई और टीचर आने वाले हैं, मुझे यहाँ पर रहना सही नहीं होगा। सब लोग कहते हैं, लेकिन क्यों प्रोफेसर आप यहाँ पर रुक सकते हो? तो बच्चों की बात सुनकर त्यांग कहते हैं, मैं अगर यहाँ पर रुकूँगा तो तुम लोग अच्छे से एग्ज़ाम नहीं दे पाओगे क्योंकि तुम लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि मैं तुम लोग के साथ बहुत ही ज़्यादा क्रूर बनता हूँ, है ना? बच्चे बोलते हैं, नहीं प्रोफेसर आप बहुत ही अच्छे हो और आप इतना हैंडसम हो कि ये बात तो सही है, आपकी हैंडसमनेस की वजह से हम लोग का ध्यान आप पर खींचे चले जाते हैं। त्यांग कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, मुझे अभी यहाँ से जाना चाहिए। त्यांग यहाँ से चले जाते हैं, जॉन कुक की तरफ देख रहा था। जॉन कुक त्यांग को गुस्से से देखते हैं कि बाकी के बच्चे त्यांग के साथ फ्लोटिंग कर रहे थे, जिससे जॉन कुक को गुस्सा आ जाते हैं। जैसे ही त्यांग क्लास से बाहर चले जाते हैं, जॉन कुक बेंच पर घूसा मारते हैं। यूनो कहते हैं, क्या हुआ, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या क्वेश्चन पेपर कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या? क्या बहुत ज़्यादा हार्ड लग रहे हैं तुम्हें? सच में क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी है, मैंने सोचा भी नहीं था प्रोफेसर ऐसा कुछ करेगा, शायद उनको हमारे ऊपर दिल आ गया है और उन्होंने हमारे लिए इतना ईजी क्वेश्चन कर लिया। लेकिन जॉन कुक तुम इतना गुस्से में क्यों लग रहे हो और तुम प्रोफेसर की सवालों का जवाब क्यों नहीं दिया? तुम्हारी इतनी हिम्मत, प्रोफेसर को कोई इग्नोर ही कर सकते हैं और तुमने उनको इग्नोर किया। जॉन कुक कहते हैं, तुम अपने एग्ज़ाम दो, मुझ पर ध्यान मत दो। यूनो, तुम्हें अच्छे से एग्ज़ाम देना है ना, क्योंकि तुम्हारे लिए क्वेश्चन पेपर बहुत ही ईजी है। मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैंने सारे हार्ड क्वेश्चन को पढ़ा था और यहाँ पर सारे ईजी क्वेश्चन आए हुए हैं, मैं कैसे इसका आंसर करूँगा? हाँ यूनो कहते हैं, क्या क्या तुमने पूरी बुक्स को पढ़ाई नहीं किया था और हार्ड क्वेश्चन को रीड करके आए हो? जॉन कुक कहते हैं, हाँ मुझे लगा वो ही देने वाले हैं वो। यूनो कहते हैं, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगा? जॉन कुक कहते हैं, क्योंकि वो ऐसा ही करेगा।
मैं पूरा श्योर था, लेकिन उन्होंने इस बार कुछ अलग ही करके दिखाया। इस बार मैं गलत हो गया। त्यांग ये सब कुछ बाहर खड़े होकर सुन रहा था। जंकू कहते हैं, आप पता नहीं क्या होने वाला है मेरे साथ, क्योंकि मैं टॉप तो नहीं कर सकता हूँ, पास करूँगा या नहीं वो भी मुझे नहीं पता। जंकू के बारे में सोचकर अब त्यांग को बुरा लग रहा था, क्योंकि उसने जो कहा था उसी के ऊपर जंकुक ने हार्ड क्वेश्चन को रीड किया था और इजी क्वेश्चन को छोड़ दिया था। अब त्यांग समझ आते हैं कि उसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जंकुक के एग्जाम खराब होने के पीछे त्यांग खुद को ही जिम्मेदार मानते हैं, लेकिन जंकुक जैसे एग्जाम खत्म कर लेते हैं वो बाहर आ जाते हैं और वो बहुत ही खुश लग रहे थे। त्यांग जंकुक को देखकर समझ नहीं पा रहा था आखिर जंकुक को हो क्या गया है, कहीं वो पागल तो नहीं हो गए हैं ना, क्योंकि उन्होंने कहा उसका एग्जाम अच्छा नहीं हुआ उसके बाद वो इतना खुश कैसे हो सकते हैं। जंकुक स्कूल के पीछे के दरवाजे से बाहर निकलकर त्यांग की कार पर जाकर बैठ जाते हैं और त्यांग का इंतजार करने लगते हैं, लेकिन त्यांग नहीं आते हैं। वो ड्राइवर को भेज देते हैं जंकुक को घर लेकर जाने के लिए। जंकुक कहते हैं, आप यहाँ पर क्या कर रहे हो और प्रोफेसर कहाँ है? ड्राइवर कहते हैं, वो अभी नहीं आ सकते हैं, उनको स्कूल में कुछ और काम है। मुझे कहा आपको घर लेकर जाने के लिए, और किसी ने आपको देखा तो नहीं ना? जंकुक कहते हैं, नहीं मुझे नहीं देखा है। लेकिन क्यों पूछ रहे हो? ड्राइवर कहते हैं, ऐसे ही, क्योंकि प्रोफेसर ने मुझसे कहा था आपको सेफली घर लेकर जाने के लिए। और जंकुक कहते हैं, हाँ ठीक है चलो घर चलते हैं। लेकिन वो क्यों नहीं आ पाए, उनको अचानक क्या काम आ गया है? ड्राइवर कहते हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन इतना कह सकते हैं प्रोफेसर बहुत ही परेशानी में लग रहे थे। कुछ हुआ है क्या सर? जंकुक कहते हैं, मुझे नहीं पता, क्योंकि मुझे गुस्सा होना चाहिए और मेरा एग्ज़ाम खराब होने ही वाला था, लेकिन मैंने अपनी मेमोरी को शार्प किया और सारी क्वेश्चन को याद करके अच्छे से एग्ज़ाम पेपर सॉल्व कर दिया। मुझे लगता है इस बार मैं ही टॉप करने वाला हूँ। ड्राइवर कहते हैं, हाँ क्योंकि आपके हस्बैंड प्रोफेसर जो है आपके अलावा और कोई टॉप कर ही नहीं सकते हैं। जंकुक ड्राइवर को गुस्सा करते हुए बोलते हैं, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो, वो मुझे एग्ज़ाम में पास कराने वाले हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं, तुम गलत सोच रहे हो, मैंने बहुत ही अच्छे से पढ़ाई किया था। हाँ ठीक है मैंने कुछ और ही क्वेश्चन पढ़ लिया था, लेकिन ये जो क्वेश्चन आया था ये बहुत ही इजी था, मैंने बिना पढ़े ही सोच लिया मेरा एग्ज़ाम खराब होने वाला है। लेकिन नहीं, जैसे ही मैंने इसको रीड किया मुझे सारे क्वेश्चन याद आने लगे और मैंने पेपर को अच्छे से किया, अब मैं टॉप कर सकता हूँ। लेकिन तुम लोग इस तरह से क्यों सोचते हो? शायद इसीलिए मेरे प्रोफेसर हस्बैंड हम दोनों के रिश्ते को सीक्रेट रखना चाहते हैं, और मैं इस बात पर प्राउड फील करता हूँ, वरना लोग तुम्हारे जैसे ही सोचते रहता। ड्राइवर सॉरी कहते हैं और बोलते हैं, प्लीज़ इस बात को प्रोफेसर को मत बताना, वो मुझसे गलती से निकल गया। जंकुक कहते हैं, हाँ मैं समझ गया, लेकिन दोबारा से ऐसी गलती नहीं होना चाहिए। तो फिर ड्राइवर कहते हैं, ठीक है। उसके बाद जंकुक को मेंशन वापस लेकर आते हैं और जंकुक मेंशन आने के बाद त्यांग का इंतज़ार कर रहा था कब वो घर वापस आएगा, लेकिन शाम हो जाते हैं त्यांग घर नहीं आया। अब बहुत रात भी होने लगते हैं, जंकुक को बहुत थकान हो रहा था। तो फिर जंकुक सो जाते हैं। त्यांग मिडिल नाइट को घर वापस आते हैं और आने के बाद जंकुक के पास आ जाते हैं। वो बहुत ही खुश लग रहे थे, उसके हाथ में फ्लावर्स थे और एक पिस्टी था। लेकिन त्यांग जैसे ही जंकुक को देखते हैं कि वो सो चुके हैं। त्यांग सिर्फ जंकुक को ही देखे जा रहे थे, क्योंकि जंकुक सच में बहुत ही क्यूट लग रहे थे। वो बहुत टायर्ड थे ना, इसलिए वो सो गए। त्यांग जंकुक के पास जाकर बैठ जाते हैं और उसकी फोरहेड पे किस करके बोलते हैं, सॉरी मुझे लेट हो गया है घर वापस आने में और मैंने तुम्हें डांट दिया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए और मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया, लेकिन शायद मेरी ही गलती है जो तुम इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे एग्ज़ाम को लेकर, लेकिन मैंने कभी सोचा भी नहीं था तुम इतने अच्छे से एग्ज़ाम दे दोगे, क्योंकि तुमने कहा तुमने कुछ और ही क्वेश्चन पढ़ लिया था, वो भी मेरी ही गलती है। लेकिन जंकुक इन सारी बातों को नहीं सुनते हैं, लेकिन जैसे ही त्यांग जंकुक के होठों पर एक बहुत ही जेंटली किस करते हैं और यहाँ से उठकर जाने ही वाले थे, जंकुक त्यांग की हैंड पकड़ लेते हैं और कहते हैं, कहाँ जा रहे हो आप मुझे छोड़कर? त्यांग कहते हैं, वो तुम सोए नहीं हो? जंकुक कहते हैं, नहीं मैं सो गया था, लेकिन आप अगर ऐसे करोगे तो मैं कैसे सो पाऊँगा? त्यांग कहते हैं, सॉरी। जंकुक कहते हैं, किस बात के लिए? त्यांग कहते हैं, सारी बातों के लिए,
मैंने तुम पर भरोसा नहीं किया और तुमने मेरी बातों को, जन को कहते हाँ हाँ मैं समझ गया, आप सॉरी बोलने से क्या होगा, आपको पता भी है मैंने आज एग्ज़ाम कितना ज़्यादा, त्याग उसके होठों पर किसका लेते हैं और उसको कुछ नहीं कहने देते हैं। जन को कहते हैं अब इनको क्या हो गया है, वो मन ही मन सोचे जा रहे थे। त्यांग जैसे ही जंकुक से अलग होते हैं, जंकुक कहते हैं आपको पता है मैंने कितने अच्छे से एग्ज़ाम दिया है और मुझे लगता है मैं ही फास्ट होने वाला हूँ। त्यांग कहते हैं तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं। जंकुक मैं अच्छी तरह से जानता हूँ तुम क्या करने वाले हो। जंकुक कहते हैं क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं। त्यांग कहते हैं मैंने ऐसा कुछ कहा क्या, तुम इतना ओवर क्यों सोचते हो। जंकुक कहते हैं तो आपने ऐसा क्यों कहा। त्यांग उसके हाथ पर एक पेपर रख देते हैं और कहते हैं इसको देख लो। उस पर नंबर लिखा हुआ था सबका, जो 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 भी नंबर पाया है उसमें सबसे ज़्यादा टॉप किया है जंकुक। जंकुक उसको देखकर खुश हो जाते हैं और कहते हैं क्या आज की एग्ज़ाम की ये लिस्ट है। त्यांग कहते हैं हाँ, पहले तुम उसको देख रहे हो, इससे पहले कि कोई और देख लेता। सुबह को जब सब लोग स्कूल आ जाएगा सब लोग देख लेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था तुम्हें अभी इस खुशी के बारे में पता चल जाए। जंकुक कहते हैं आप मेरे बारे में परेशान हो रहे थे इसलिए इतने रात तक सारे एग्ज़ाम पेपर को चेक किया और इसके बाद एक लिस्ट भी बनाया। त्यांग कहते हैं हाँ, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ, मैं तुम्हें परेशान नहीं देख सकता हूँ। जंकुक कहते हैं आपको किसने कहा मैं परेशान हूँ, मुझे लगा कि मैंने उस एग्ज़ाम को रीड नहीं किया था, लेकिन मैंने जो भी क्वेश्चन रीड किया था उन्हीं में से इसका आंसर था, ये बहुत ही ईजी थे, मैंने इसको अच्छी तरह से कर लिया, आपको मेरे लिए इतना कुछ करने की क्या ज़रूरत है। त्यांग जंकुक को बोलते हैं अब बहुत हो गया है, अब चुप भी हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ और लेकर आया हूँ। जंकुक कहते हैं क्या। त्यांग बोलते हैं अपनी आंखें बंद करो, लेकिन जंकुक उसको और भी बिग आइज के साथ देख रहा था। त्यांग कहते हैं मैंने कहा अपनी आँखों को बंद करने के लिए, इतनी बड़े बड़े करके देखने के लिए नहीं कहा। जंकुक बोलते हैं हाँ ठीक है मैं समझ गया। उसके बाद अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। जंकुक के सामने एक पेस्टी और फ्लावर लेकर आते हैं त्यांग। जैसे ही जंकुक अपनी आईज ओपन करते हैं वो देखते हैं उसके सामने उसके प्रोफेसर हस्बैंड एक बहुत ही बढ़िया चॉकलेट पेस्टी और फ्लावर लेकर आए हैं, जिसको देखकर जंकुक खुश हो जाते हैं और अपने हस्बैंड को हक कर लेते हैं। त्यांग कहते हैं क्या कर रहे हो, पेस्टी नीचे गिर जाएगा, क्या तुम उसको खाना नहीं चाहते हो। जंकुक कहते हैं ऑफ़ कोर्स मैं उसको अभी खाना चाहता हूँ। जंकुक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा था, तो फिर त्यांग जंकुक की हैंड पकड़ के उसको बेड पर बैठने के लिए कहते हैं और बोलते हैं इसको अच्छे से कट करो और उसके बाद खाओ। जंकुक पेस्टी को कट करते हैं और सेलिब्रेशन करते हैं त्यांग के साथ। त्यांग जंकुक को पेस्टी खिलाते हैं, जंकुक त्यांग की फेस पर पेस्टी लगा देते हैं। जंकुक को त्यांग मना कर रहा था लेकिन त्यांग की कोई बात नहीं सुनते हैं जंकुक। तो फिर जंकुक को त्यांग बेड पर पुश कर देते हैं और उसके ऊपर चले आते हैं और कहते हैं तुम्हें बहुत ही मस्ती सोच रहे हैं ना, मुझे लगता है तुम आज बहुत ही ज़्यादा एनर्जेटिक हो और बहुत फ्रेश फील कर रहे हो, मुझे लगता है आज सही टाइम है क्योंकि तुमने टॉप भी किया है और तुम खुश भी हो। जंकुक त्यांग की तरफ देख रहा था, जंकुक बहुत ही ब्लश कर रहे थे। त्यांग जंकुक के होठों पे किस करते हैं। लॉन्ग टाइम तक किस करने के बाद जैसे ही त्यांग जंकुक से अलग होते हैं वो उसके गले पर बैठ करने जाने ही वाले थे कि जंकुक त्यांग की यार पर किस कर लेते हैं। त्यांग कहते हैं क्या कर रहे हो। जंकुक उसकी यार पर अपनी टंग से शक करते हैं, जिसे त्यांग और भी ज़्यादा हॉट हो जाते हैं। अब त्यांग के लिए रुकना बहुत ही मुश्किल है, तो फिर त्यांग जंकुक की दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं बेड के साथ और उसकी पूरी फेस पर किस करने लगते हैं और उसके कपड़ों को फाड़ने लगते हैं। जंकुक त्यांग को कहते हैं क्या कर रहे हो, आप ऐसा नहीं कर सकते हो, मुझे ये टी शर्ट बहुत ही पसंद है। लेकिन त्यांग कहते हैं मैं बाद में खरीद दूंगा, लेकिन अभी के लिए कुछ मत कहो। उसके बाद जंकुक त्यांग की शर्ट को खोलने लगते हैं। जंकुक त्यांग की बॉडी को देखकर कहते हैं मेरे कोल प्रोफेसर इतना ज़्यादा हॉट है, मुझे पता ही नहीं था। त्यांग मुस्कुरा के कहते हैं क्या तुम मुझे इस तरह से पहली बार देख रहे हो। जंकुक कहते हैं नहीं, लेकिन जब भी आपको देखता हूँ मुझे लगता है आप पहले से भी ज़्यादा हैंडसम बनते जा रहे हो। और त्यांग जंकुक को कहते हैं और मुझे लगता है तुम पहले से भी ज़्यादा नॉटी बनते जा रहे हो।
उसके बाद त्याग जंगको के साथ इंटीमेट हो जाते हैं और ऐसे ही पूरी रात बीत जाते हैं। सुबह को त्यांग जंगको को बोलते हैं, जाओ जाकर तैयार हो जाओ। जंगको कहते हैं, लेकिन क्यों? त्यांग कहते हैं, वो तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। जंगको समझ जाते हैं कि त्यांग उसको कहाँ लेकर जाने वाले हैं। जंगको जल्दी से जाकर तैयार होकर वापस आ जाते हैं और त्यांग को कहते हैं, चलिए जल्दी से चलते हैं आपके फार्म हाउस। त्यांग कहते हैं, तुम्हें कैसे पता? जंगको बोलते हैं, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप मुझे वहाँ लेकर जाने वाले हो, क्योंकि मैंने आपसे कहा था मुझे आपके फार्म हाउस बहुत ही अच्छे लगते हैं और मैंने टॉप भी किया है, तो आप आपकी प्रॉमिस को रखने वाले हो। त्यांग जंगको को कहते हैं, सॉरी जंगको, मैं तुम्हें फार्म हाउस नहीं लेकर जा सकता हूँ, मुझे बहुत काम करने होंगे और जब भी हमें लॉन्ग टाइम के लिए छुट्टी मिल जाएगा स्कूल से, तुम्हारी भी छुट्टी होंगे और मेरी भी, तब हम फार्म हाउस जाएंगे, ओके? जंगको कहते हैं, क्या तो आज हम नहीं जाने वाले हैं फार्म हाउस? त्यांग कहते हैं, नहीं, हम कहीं और घूमने जाने वाले हैं, तुम्हें वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। जंगको कहते हैं, मुझे नहीं जाना है, और वो नाराज़ हो जाते हैं और जाकर कॉर्नर पर बैठ जाते हैं। सो इस पार्ट को यहाँ पर ही ख़त्म कर रही हूँ, नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार करना, और अगर पसंद आए होंगे लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय।